जवाब में बीजेपी ने बीबीसी की रिपोर्टिंग और उनके भारत विरोधी कथित एजेंडे पर गंभीर सवाल उठा दिए और बीबीसी का नया नामकरण कर दिया। बीजेपी ने बीबीसी को कहा भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन। बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। बीबीसी जी दर्शकों, ये नामकरण बीजेपी ने किया। बीबीसी पर आयकर के सर्च का पूरा मामला और उस पर आई प्रतिक्रियाएं आगे बताऊंगी आपको, लेकिन सवाल पब्लिक का उठ गया है कि क्या देश में अघोषित आपातकाल है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, या फिर विपक्ष देश के अमृत काल में बीबीसी जैसी विदेशी एजेंसियों के हाथ की कठपुतली बन गया है। एजेंडा चलाने के आरोपी बीबीसी का प्रवक्ता विपक्ष क्यों? आयकर के एक्शन की टाइमिंग पर सवाल उठाने वाले क्यों भूल जाते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं? आखिर बीबीसी बड़ा है या देश की एजेंसियां? आपातकाल वर्सेस अमृतकाल के नैरेटिव में सच क्या है? यही है आज सवाल पब्लिक का। बीबीसी दुनिया में सबसे अधिक देशों तक पहुंच रखने वाला मीडिया संगठन है। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के पास दुनिया को इन्फॉर्म करने की ताकत है। न्यूज को लेकर दशकों से बीबीसी का शानदार इतिहास भी रहा है, लेकिन यही बीबीसी पत्रकारिता के नाम पर अपना एजेंडा चलाने का भी आरोपी है। कौन भूल सकता है कि 2003 में बीबीसी ने इराक में सामूहिक विनाश हथियारों का दावा किया था, यानी कि WMD। इराक पर अमरीकी हमले को इससे लेजिटिमेसी मिली थी, लेकिन 2009 में बीबीसी ने इस रिपोर्ट पर ही माफी मांग ली थी। युद्ध हो गया था उनकी रिपोर्ट पर और 6 साल बाद माफी मांग ली। कौन होगा इस युद्ध का जिम्मेदार? कौन होगा उन मरने वाले लोगों की मौत का जिम्मेदार? ये सवाल अब तक गूंजते हैं। बीबीसी भारत के खिलाफ एजेंडा पत्रकारिता पर कटघरे में है। बीजेपी ने ये सवाल उठाए हैं, उन आरोपों को प्रोग्राम के दौरान बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बीबीसी पर आयकर विभाग के आज के एक्शन पर विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को आपके सामने रखना चाहती हूँ। सुनिए विपक्ष की ये बयान। विश्व में पहली बार बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है। आप समझ सकते हो कि जिस अंतर्राष्ट्रीय छवि की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अब क्या उनकी छवि पर धब्बा नहीं लगेगा? ये जो काम आज केंद्र सरकार ने किया है, ये बहुत गलत संकेत इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में आज एक मैसेज जा रहा है कि केंद्र सरकार, भारत की केंद्र सरकार एक न्यूज एजेंसी के पीछे इस तरीके की बदला की भावना से पड़ सकती है। इससे सिर्फ प्रधानमंत्री जी की या केंद्र की नहीं, पूरे भारत की छवि जो है खराब हो रही है। मी तुमच्याशी बोलत असताना या बातमीच्या सोबतीने बीबीसीच्या कार्यालयावरती दिल्लीमध्ये धाड पडलेली आहे, धाड टाकलेली आहे, ही सुद्धा बातमी चालू असेल, कारण मी टीव्ही आता बघितलेली नाहीये। एखाद्या प्रसार माध्यमाच्या कार्यालयावरती धाड टाकणं हे कोणत्या लोकशाहीत बसतं? म्हणजेच काय की तुम्ही आम्ही वाटेल ते करू, पण तुम्ही आवाज नाही उठवायचा। जर आवाज उठवाल तर चिरडून टाकू। ही जी एक पाचवी वृत्ती आपल्या देशामध्ये आज फोफावायला बघते, ती आपण वेळेमध्ये एकत्र आलो नाही आणि आपली ताकद वाढवली नाही तर उद्या संपूर्ण देश खाऊन टाकेल। विपक्ष के आरोपों को आपने सुना, अब आप बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आयकर सर्वे की वजहें जान लीजिए। आयकर विभाग का दावा है कि बीबीसी ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स का उल्लंघन करता है। ट्रांसफर प्राइसिंग
अकाउंटिंग रूल्स मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रॉफिट और टैक्स से जुड़े प्रावधान होते हैं। मोटे तौर पर इसे ऐसे समझिए कि बीबीसी पर ज्यादा प्रॉफिट के लिए टैक्स चोरी का आरोप है। बीबीसी पर सर्च के पहले आयकर विभाग ने उसे कई नोटिस जारी किए हैं, ये आयकर विभाग का कहना है। लेकिन आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बीबीसी जानबूझकर उल्लंघन करता रहा है। ये बात सच है कि जनवरी में आई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की रिलीज के एक महीने के भीतर आयकर विभाग की ये कार्रवाई हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री को मोदी सरकार ने भारत में बैन किया है। डॉक्यूमेंट्री पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि ये शत्रुता से भरा प्रोपोगंडा और कॉलोनियल माइंडसेट वाला भारत विरोधी कूड़ा करकट है। लेकिन सवाल उठता है कि आयकर के बीबीसी सर्च को किस आधार पर मोदी डॉक्यूमेंट्री का बदला बताया जा रहा है। यहां यह भी बता दूं कि 2009 में 2002-03 के टैक्स को लेकर और 2010 में 2003 और 4 के टैक्स को लेकर बीबीसी को आयकर विभाग ने नोटिस भी दिया था। अब ये तो यूपीए सरकार के दौरान था। पहला नोटिस 2016 में और दूसरा नोटिस 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो क्या ये कह सकते हैं कि बीबीसी यूपीए के भी निशाने पर था? मैं साफ कर दूं कि ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन आयकर के आज के एक्शन को राजनीति में घसीटने वाले इस सवाल से बच नहीं सकते। वैसे आज बीबीसी ने आयकर के सर्च पर अपने बयान में कहा है कि हम पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी। उधर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीबीसी पर आयकर सर्च को लेकर कहा है, क्या आप भी सुनिए। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वे करता है, और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। आयकर की कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष की लड़ाई सिर्फ बीबीसी तक सीमित नहीं है। आयकर सर्च पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी आज ट्वीट करके कहा है कि व्यावहारिक रूप से एमनेस्टी इंटरनेशनल और ऑक्सफैम को बंद करने के बाद बीबीसी कतार में है, बेहद शर्मनाक। यानी कि जो एनजीओज हैं जिन पर सरकार ये कहती रही है कि वो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं, उनका भी मेंशन किया है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने। लेकिन आज ही के एक इंटरव्यू में अडानी मामले पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो 2002 से ही साजिशें हो रही हैं। सुनिए गृह मंत्री का यह बयान। देखिए सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो कुछ नहीं होता है, वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं, और हर बार मोदी जी मजबूत होकर सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, और पब्लिक का सवाल नंबर एक, सर्वे के नाम पर इनकम टैक्स का एक्शन क्या बीबीसी से डॉक्यूमेंट्री पर मोदी सरकार का बदला है? सवाल नंबर दो, देश के अमृत काल में अघोषित आपातकाल जैसा नैरेटिव क्या देश हित के खिलाफ नहीं है? सवाल नंबर तीन, भारत विरोधी एजेंडा चलाने के बीबीसी पर लगे आरोप कितने सही है? जिस तरह का टाइमिंग है ऐसा लगता है कि सरकार और तानाशाह डरा हुआ है, कांपा हुआ है। टाइमिंग पूरी तरह से ये है कि जब जब डॉक्यूमेंट्री आई है तो डॉक्यूमेंट्री के कारण ही ये सारा कुछ हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की आज की आपने अगर जो स्टेटमेंट है वो पढ़ी हो तो उन्होंने तीन सेंटेंस यूज किए हैं नविका जी। उन्होंने जो सबसे पहला किया है वो ये किया है कि विल डैमेज द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म।
दूसरा है लेटेस्ट इंसिडेंट्स अपीयर्स टू बी ए क्लियर कट केस ऑफ वेंडेटा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप ही का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कह रहा है, और सीरीज आर पार्ट ऑफ ए सीरीज सर्वेज आर ए पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन द मीडिया बाय गवर्नमेंट एजेंसी। ये तीन सेंटेंस मैंने केवल पढ़े हैं जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कह रहा है। मैं समझता हूं कि सभी तमाम पत्रकारों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हम सवाल क्यों उठा रहे हैं कि 100 से ज्यादा पत्रकार यूपी में हो चाहे तमाम जगह पर हो, उनको केवल सरकार के खिलाफ खबरें दिखाने के कारण अरेस्ट किया गया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, बलिया में किसी ने पेपर लीक का मामला दिखाया तो वो लोग चारों पारों जो पत्रकार कितने दिन तक जेल में रहे। मिर्जापुर में अगर बच्चे नमक से रोटी खा रहे थे तो क्या हुआ था। मध्य प्रदेश में किस तरह से पत्रकारों के कपड़े उतार कर थाने में पिटाई हुई थी, ये सब ने देखा। हम कह रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत थी 2014 और 16 में अगर नोटिस दिए गए तो आप कौन से ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे कि 2023 में आकर हम एक्शन लेंगे। मतलब 7 साल 8 साल तक आप इंतजार कर रहे थे कि मोदी साहब की डॉक्यूमेंट्री आएगी और उस समय पर हम ऐसा शिकंजा इनके ऊपर करेंगे। विपक्ष कह रहा है जेपीसी बनाइए, ये बीबीसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो पूरी तरह से लगता है कि इनका जो इतिहास रहा है, किसानों का आंदोलन था तो क्या हुआ नविका जी, सैकड़ों किसानों को इनकम टैक्स के नोटिस भेज दिए। बताएं बीजेपी क्या हुआ उनका, गुजरात में जिस दिन 38 टिकट काटे 300 जो टीमें थी इनकम टैक्स की निकल गई, क्या हुआ उसके बाद। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जब गिरी थी तमाम एमएलए को इनकम टैक्स के नोटिस गए, क्या हुआ। एक गूगल के कार्यालय पर भी 6 दिल्ली पुलिस वाले लोग गए थे, उनको क्या मिला जरा बताना चाहिए इनको। एनडीटीवी 2017 में आज ये कह रहे हैं कि साहब बीबीसी महाभ्रष्ट है, उस समय पर एनडीटीवी महाभ्रष्ट था और एनडीटीवी पर रेड हुई थी, उसके बाद क्या हुआ उसका। दैनिक भास्कर के ऊपर रेड हुई तमाम शहरों में क्योंकि वो सरकार के खिलाफ खबर दिखा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ। और छोटे चैनल जो ऑल्ट न्यूज हैं और तमाम हैं उनकी तो गिनती बहुत लंबी। मुझे लगता है सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है और किसी भी तरह से ये किसी भी मीडिया का आलोचना का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ G20 में चलिए, आपने कई सवाल उठाए, मैं सुभ्राष्टा जी से पूछूंगी। सुभ्राष्टा जी, क्या ये वेंडेटा है, क्या ये बदले की राजनीति है, क्या बीबीसी पर बदला दिखाया गया है, क्योंकि जनवरी में एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने डाली थी। आलोक शर्मा जी ने बहुत से सवाल उठाए हैं। सुभ्राष्टा जी, आप क्या समझती हैं? देखिए, आलोक शर्मा जी के सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है मीडिया की फ्रीडम को लेकर के, उस पर नहीं जाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं बीबीसी पर बात करना चाहती हूं आज। क्या बीबीसी के टैक्स इवेजन को लेकर के जो बातें उठ रही हैं, क्या ये पहला मामला है, क्या ये मामला केवल भारत में उठा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाविका जी। आप जानती हैं, मुझे लगता है कोई भी जो थोड़ा बेसिक रिसर्च करके आएगा इस टॉपिक पे वो जानता होगा कि यूनाइटेड किंगडम में सेम मामला बीबीसी का टैक्स इवेजन का चला, और चला ही नहीं, 8.3 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना बीबीसी ने लगभग अंडर द टेबल सेटल किया। बीबीसी के अपने प्रेजेंटर ने जाकर के अपनी संसद में ये बात माना है कि स्पेशल टैक्स व्हीकल्स के तहत उनको पेमेंट दी जाती थी बीबीसी के माध्यम से, ताकि वो सालाना 10 मिलियन पाउंड की बचत कर सके। तो ये सारी चीजें आउट इन दी ओपन है, इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता को क्या बीबीसी का जो ये प्रकरण चल रहा है उससे लेना देना है, मुझे नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि देश की जनता को अपने देश की मीडिया और अपने देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर अधिक भरोसा होना चाहिए। ये तो मैंने कांग्रेस से ही सीखा है कि अपनी ही इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा करो। तो जब देश का सुप्रीम कोर्ट किसी एक इशू पर वर्डिक्ट दे देता है तो बीबीसी की बात मैं क्यों सुनूं? अंतिम बात मैं कहना चाहती हूं, अगर विपक्ष को लगता है कि जेपीसी वाली जो बात उठा रहे हैं बार बार, विपक्ष कह दे ना आज, आलोक शर्मा जी कह दे यहां पर कि आज के बाद हम गौतम अडानी जी को एक पोल से भी नहीं छुएंगे जब तक वो पूरी तरह से वो बरी नहीं हो जाते। तो ये राजस्थान में रेड कार्पेट बिछाएं, ये ममता बनर्जी रेड कार्पेट
कारपेट बिछाए बंगाल में, लेकिन टेलीविजन डिबेट में आकर के सवाल पूछे ये छत्तीसगढ़ में सारा जो भी इनका मामला है वो गौतम अडानी को रेड कारपेट बुला करके बिछा करके दें, लेकिन इनको सवाल नेशनल मीडिया में उठाना है, तो ये किस तरीके का दोहरापन है नविका जी? इसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा विवेचना करने की। सुधांशु त्रिवेदी जी, तो फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा प्रेस फ्रीडम का है या मुद्दा होता जा रहा है धमकाने का, डराने का और बदले लेने का है जो आपके सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं? देखिए, मुद्दा टेक्निकल और पॉलिटिकल दोनों है। टेक्निकल इश्यू यह है कि यदि आज तक बीबीसी के खिलाफ कोई केस नहीं होता और अचानक जाके सरकार ने ये कर दिया होता तो कांग्रेस का आरोप सही था कि भाई स्टोरी हुई उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू हुई। ये प्रक्रिया तो बरसों से चल रही है, एक नहीं दर्जनों नोटिस हैं उनको, क्योंकि उनके पास जो प्रॉफिट आता है उसको ट्रांसफर करने की एक प्रक्रिया है जिसका उन्होंने सही ढंग से पालन नहीं किया। अनेक बार उनको नोटिस दिया जा चुका है, जब उन्होंने नहीं कंप्लाई किया तो उनके पास इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल का भी नोटिस है, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने ना कोई रेड की है ना सर्च किया है, केवल उसको ये अधिकार, ये थोड़ा इको हो रहा ठीक करवा दीजिएगा, केवल उनको ये अधिकार है कि वो जाकर सर्वे कर सकते हैं, यानी आपके अकाउंट बुक्स देख सकते हैं कि आप लगातार जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्या है। ये एक टेक्निकल इश्यू है। पॉलिटिकल एंगल ये है कि अंग्रेजों के जमाने में लोग कहते थे, लाट साहब कहते थे अंग्रेजों को। आप किसी को लगता होगा कि उसकी लाट साहबी 21वीं सदी में भी चल रही है, आपको लगता होगा, मगर हमारी सरकार को तो नहीं लगता, कोई लाट साहब नहीं है, नियम और कानून के आगे सब बराबर हैं। और मैं यह कहना चाहूंगा नाविका जी कि भाई ये वो पार्टी जो कहती है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई इन्होंने अकेले लड़ी थी, अरे इतिहास में क्या पढ़ाया गया, हमने तो देखा नहीं था, पर इतिहास की विवेचना तो हो रही है, मगर वर्तमान में तो अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए ये खूब दिख रहे हैं, चाहे हिंडनबर्ग हो या बीबीसी, यानी अमेरिका में छपी रिपोर्ट हो या इंग्लैंड में छपी रिपोर्ट। तो अंग्रेजों से लड़ने वाली बात तो पता नहीं कितनी सच थी, पर अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए खूब दिखाई पड़ रहे हैं कि अपने देश के विरुद्ध अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए देखने का एक अद्भुत और विचित्र उदाहरण कांग्रेस ने। इस पर तो एक सवाल मैं आपसे सुधांशु त्रिवेदी जी पूछूंगी। सवाल ये उठता है कि अगर 2009-2010 में आयकर विभाग ने सवाल पूछे थे और ये केस चले थे तो आपने 2023 तक इंतजार क्यों किया? और दूसरी बात, कई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट और सर्वेस होते हैं जिनका हवाला बीजेपी देती है और ये बाहर की एजेंसियों के सर्वे होते हैं तो उन पर तो आपका बहुत विश्वास होता है, लेकिन हिंडनबर्ग पर या बीबीसी पर आप कटाक्ष करते हैं, ये सवाल भी आज पब्लिक पूछ रही है, इसका क्या जवाब है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। वो सवाल इसलिए होता है कि जिन जिन एजेंसीज को हम लोगों ने कभी कोट किया जाता है, जैसे मूडीज हो, फिंच हो, आईएमएफ हो, इस पे किसी पे अपने देश में मुकदमा नहीं चल रहा है या कभी अपने देश के द्वारा इस पे फाइन नहीं हुआ है। हिंडनबर्ग के ऊपर अमेरिकी अदालत में मुकदमा है और उसके द्वारा बाकायदा किसी अमेरिकन कंपनी के बारे में रिपोर्ट छापने पर प्रतिबंध है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म सेलिंग की है, यानी जिन कंपनियों के शेयर खरीदे और उन्हीं से पैसा कमाया, जैसे उन्होंने अडानी के शेयर खरीदे, पूछे करोड़ों रुपए शेयर खरीदे, करोड़ों करोड़ों रुपया कमाया कैसे शॉर्ट टर्म सेलिंग करके, वो मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता देना चाहता हूं। शॉर्ट टर्म सेलिंग ये होती है कि 100 रुपए का शेयर है और मैंने कहा कि मैं एक हफ्ते बाद खरीदूंगा मगर आज का ही मूल्य देना पड़ेगा, 100 का 120 हो गया तो कंपनी को 20 रुपए का फायदा, 100 का 80 हो गया तो आपको एक फायदा। अब मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा और उसके बाद एक स्टोरी लिखी और उस स्टोरी पेपर उस सुर के ऊपर ताल मिलाने वाले यहां थे, शेयर नीचे गिर गया, हमको करोड़ों रुपए मिल गए। ये काम अमेरिकन मार्केट में भी हुआ इसलिए प्रतिबंध लगा, इसलिए आरोप है। बीबीसी के बारे में शुभ्रास्ता जी ने ही जवाब दे दिया, एक नहीं याद करिए प्रिंसेस डायना वाले मैटर पर भी बीबीसी को माफी मांगनी पड़ी थी गलत स्टोरी के लिए। इसलिए हम यह कहना चाह रहे हैं और 100 बातों की बात मैं तो याद दिलाना चाह रहा हूं, हमारी सरकार आई थी, तमाम एनजीओ थे जिन्होंने 5-5 साल से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा था और जब हमने उनको आके कहा रिटर्न भरिए, उन्होंने नहीं भरा। 31 मार्च 2015 आ गई, हमने कहा अगर 3 महीने में नहीं भरा तो उसके बाद आपको डीरिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, तो जानते हैं 5000 में कितने ने भरा था, 250। और जब डीरिकॉग्नाइज करने की बात हुई हो अल्लाह मचाने लगे, अरे साहब एनजीओ के खिलाफ है, एनजीओ के खिलाफ है।
और इसीलिए उनमें से किसी एनजीओ को आज तक कोर्ट से कोई राहत मिली हो तो बताइए। अरे आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे, फॉरेन अकाउंट का डिटेल नहीं देंगे, 5-5 साल तक नहीं देंगे और उसके बाद नोटिस का जवाब नहीं देंगे और फिर उसके बाद कहेंगे जी ये तो हमारी स्वतंत्रता पर हमला है। चलिए तो मैं वारिस पठान जी आपसे पूछना चाहती हूं, कई सवाल उठे उसमें एक कुछ सवाल मैं आपको दिखा दूं। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, अगर हम नैरेटिव की बात करें, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, इसमें कहा है बीटन एंड टॉर्चर्ड बाय इंडियन आर्मी, तो आर्मी की यहां पे लिखते हैं कि ये भारत की आर्मी जो है ये मारती है लोगों को, लेकिन वहीं अगर आप देखें तो तालिबान के बारे में क्या लिखते हैं, तालिबान बिना भारी खून खराबे के शहरों पर कब्जा कैसे कर रहा है, यानी कि तालिबान अच्छा भारतीय आर्मी खराब, ये तो दोगलापन है आप बीबीसी के रिपोर्ट का, और इसको लोग एजेंडा कहते हैं, मैं कहूं कि ये दोहरापन है। यहां भारत के बारे में कह रहे हैं, भारत की जीडीपी में बड़ा उछाल भी चिंताजनक क्यों है, यानी कि भारत तरक्की करे तो भी चिंताजनक, और यहां चाइना जो इन्वेस्ट करता है बीबीसी में, अभी हाल ही में आपने देखा होगा वहां कोरोना की मार के बीच चीन की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त वृद्धि, वहां ठीक है अगर वृद्धि हो। वारिस पठान साहब सिर्फ ये नहीं, अब यहां आप देखिए कोरोना वायरस में लॉकडाउन में यूरोप ने जाने बचाई, लेकिन भारत में अगर लॉकडाउन हुआ तो मोदी जी ने डिड नॉट कंसल्ट बिफोर लॉकडाउन। अरे भाई यूरोप में किसी ने किसी से कंसल्ट किया था, वो बात इधर उधर हो गई। और फिर ये देखिए, शोर और प्रदूषण से मुक्त शांत और सुंदर हो ऐसी दिवाली, ये दिवाली के बारे में है जो यहां हिंदुस्तान में बड़ा पर्व माना जाता है, यहां पर प्रदूषण होती है पटाखों से, और यहां पर देख लीजिए लंदन में फायरवर्क्स हो तो न्यू ईयर्स ईव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स गैदर फॉर लंदन फायरवर्क्स, लंदन के फायरवर्क से कोई प्रदूषण नहीं होती। तो ये दोहरापन वारिस पठान जी बीबीसी में थोड़ा सा है, तो क्या ये जो आरोप हैं इनको भी हम परे कर दें? अच्छा अभी नाविका जी, मैंने देखा आपने बहुत सारे पन्ने पलटा पलटा के दिखाए कि बीबीसी ने ऐसा कहा, बीबीसी ने वैसा लिखा, बताइए ना जरा उसपे नीचे डेट और ईयर क्या है, वो सब 19, 20, 21, हम लोग कौन से साल में डिबेट कर रहे हैं, 23। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नविका जी, आप ऊपर का दिखा देंगे हेडलाइन, नीचे की डेट नहीं बताएंगे, दर्शक समझदार है, हम लोग भी स्टडी करके बैठे हुए हैं सब। तो आज का जो बीबीसी के दफ्तर के ऊपर जो रेड हुआ है नविका जी, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर एक हमला है, डेमोक्रेसी का कत्ल है, संविधान का उल्लंघन है, और मैं समझता हूं कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दिया है, अगर कोई लिखा है उसके खिलाफ आप केस दर्ज करिए, मगर ये टाइमिंग है ना जो नाविका जी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सोचना ये क्या ये रूटीन है, बीबीसी ने कहा कि भाई ये रूटीन हमारे यहां सर्वे हुआ है या विंडिक्टिव है, क्योंकि बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था मोदी के ऊपर, पार्ट 1 पार्ट 2, सुधांशु जी को पता है उसमें क्या था, कौन था उसके अंदर मेन हीरो, उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर 2002 का जो गुजरात का दंगा था उसके बारे में सब कुछ संक्षेप में बताया गया था कि किस तरह से मुसलमानों का जेनोसाइड किया, किस तरह से बिल्किस बानो का बलात्कार, उसकी मां का बलात्कार, रेप, मर्डर, सारी चीज उसमें दिखाई थी। और उस वक्त के जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, वो आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। अब उसको आपने बैंड कर दिया, लोगों ने उत्साह जताया कि हमको देखना है, पूरे स्टूडेंट आ गए सब जगह, हमको देखने के लिए इजाजत दी जाए, वो नहीं किया, और आज आपने जाकर सीधा वहां पे रेड कर दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा भाजपा से, तो क्या अभी देश के अंदर वारिस पठान को अगर कुछ बोलना है तो क्या डरना पड़ेगा, तो डेमोक्रेसी का क्या होगा? अगर मुझे मोदी के खिलाफ कुछ बोलना है, चलिए डेमोक्रेसी का सवाल कब आएगा, मैं इंतजार कर रही थी, डेमोक्रेसी मरने वाली है, इसका सवाल आ गया। लेकिन वारिस पठान जी अच्छा लगता आपने टाइमिंग आईटी डिपार्टमेंट के सर्चेस की कही, तो अगर आप टाइमिंग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का भी मेंशन कर देते तो थोड़ा बैलेंस रहता, लेकिन आपके सारे आरोप सुधांशु जी जवाब चाहते हो मेरे से, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपका आवाज नहीं आ रहा है, सबको बोलने दिया 5-5 मिनट, मुझे 2 मिनट में क्यों बंद कर दिया, देखिए जो कड़वी है,
सच बोल रहा हूँ, बोलने दो ना मेरे को। नहीं नहीं, सच तो बोल रहे हैं, सच का ही। भाई मेरा आवाज क्यों कम बंद हो गया? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, पूरा देश सुन रहा है आपकी आवाज। कहाँ आवाज बंद है, आप तो धड़ाधड़ बोल रहे हैं। अरे कहाँ, अभी तो बाकी है, बहुत बाकी है बोलना। सुधांशु जी सुनिए, मैं बोल सकता हूँ, मैं मोदी के खिलाफ बोलूंगा, मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलूंगा। सुनाइए, मुझे डेमोक्रेसी ने अधिकार दिया। बोलिए, आपको मैं सबकी रेट अडानी का दे दिया आपने, बीबीसी का। प्रॉब्लम तो ये एड्रेस भुला दिया आपने, एड्रेस से गलत जगह पे भेज दिया उनको, एड्रेस क्यों बदली कर दिया उनका आपने? जो मांग कर रहा है देश, पूरा देश मांग कर रहा है अडानी के खिलाफ, जेपीसी बिठाओ, अडानी पैसा लेके भाग जाएगा, नीरव मोदी विजय माल्या की तरह, उसको रुकाओ। नहीं रुका रहे आप लोग, और भेज दिया वहां पे। क्यों ऐसा किया और इसी वक्त क्यों, पहले क्यों नहीं? 2009 में भी चलो आपने कहा कि ट्रिब्यूनल का नोटिस गया, जवाब नहीं दिया। 2009 में जवाब नहीं दिया तो 2023 में रेड मारेंगे? नहीं, कुछ तो है राज सुधांशु जी जिसकी पर्दादारी है, मगर देश जनता समझदार है। हमको देखना है बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री, क्यों रोका जाता है, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ, कौन से कानून के तहत आप वारिस पठान को रोक सकते हो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखने से, बताओ मेरे को, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ। सवाल खत्म हुए तो सुधांशु त्रिवेदी जी दे रहे हैं जवाब। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब। तानाशाह डर गया, तानाशाह घबर गया। अब जवाब देता हूं। देखिए, टाइमिंग की बात कहते कहते कैसे टाइम ट्रैप में फंस गए वारिस पठान साहब। अभी जो नाविका जी आपने दिखाया तो उस पर तो कह रहे हैं 2019, 20, 21, 17, 23 में बात क्यों कर रहे हो? ये 2002 की चीज, जिसका कि मामला कोर्ट के द्वारा भी खत्म हो चुका है, 20 साल पुरानी बात 2022 में टाइम सही है, भाई वाह। और 2 साल पुरानी बात पर टाइमिंग गलत है, भाई वाह। अब मैं पूछना चाहता हूं कि भाई बीबीसी तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, आज की टाइमिंग की बात कर रहा हूं, आज के दिन भी बेंगलुरु में भारत का इतना बड़ा डिफेंस एक्सपो चल रहा है, 32 देशों के रक्षा मंत्री आए हुए हैं। यूरोप के बाहर यह पहला ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में डिफेंस मिनिस्टर्स किसी देश के आए हुए हों, और भारत जो दुनिया में सबसे बड़ा आर्म्स का इंपोर्टर था वह एक्सपोर्टर के रूप में उभर के आ रहा हो, पूरे एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। बताइए बीबीसी ने कितना कवर किया इसको? आज की बात कर रहा हूं, टाइमिंग की बात भाई, जिस तारीख पे बैठे हो उस तारीख की बात कर रहा हूं, इसीलिए आपसे पूछता हूं। और आप बोलते हैं जनाब, जिन लोगों ने तस्लीमा नसरीन की किताब पे बोलने नहीं दिया, आकर फिजिकल मैन हैंडलिंग की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस और MIM दोनों के विधायकों ने आ जाकर भाषण देते हैं और कहते हैं कि आप बाहर से आई हुई कोई चीज मैं देखना चाहूंगा, मेरा हक है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 2012 में उस समय की यूपीए सरकार ने ब्लॉक कर दिया था तमाम ऐसी चीजों को जो एंटी इस्लामिक कही जाती थी, चाहे मूवी हो, कार्टून हो या कोई खबर हो, इसलिए कि मुसलमानों की भावना ना हाथ हो। मेरे भाई, तब कहां मर गई थी आपकी ये फीलिंग कि मैं देखना चाहता हूं तो क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है? इसीलिए अच्छा, जनाब मैं कह रहा हूं, अच्छा, जब बोलिए तो जोश में नहीं, होश में बोलिए। हो गया हो तो मैं जरा बताऊं है कि आप जोश में ज्यादा निकलेगी और मैं एक लाइन तो बहुत दूर तक जाएगी। आलोक शर्मा जी, सवाल यही होता है, क्या आप नहीं जानते कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंदिरा गांधी के टाइम, कांग्रेस के टाइम भी बैन की गई थी? आज सिर्फ सवाल मोदी सरकार से क्यों? बीबीसी पे चल रहे हैं भाई, तो जिस टॉपिक पे आप वहां जाएंगे तो मैं भाग्य नहीं उस टॉपिक को। माफ कीजिएगा वारिस पठान, हमेशा हर वक्त आप नहीं बोल सकते, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे। भागिए वारिस पठान साहब। नहीं, मैं उत्तर देना चाहूंगा नविका जी, केवल ये बात है कि इंदिरा के समय पे देश की गरीबी को जिस तरह से दिखाया गया था वो गलत था, वो तथ्यों से परे था, और उसके लिए बिल्कुल उनको बैन किया गया था और बाकायदा नोटिस देकर बैन किया गया था। लेकिन क्या कांग्रेस जो है वो आदर्श है बीजेपी की, कि कांग्रेस ने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं? खैर वो छोड़ दीजिए, बात यह है कि अभी बहुत बड़े बड़े मुद्दे देश के सामने, कोई मुद्दा नहीं चल पा रहा है। बजट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर 3 दिन में महंगाई बढ़ गई। उसके बाद जो अडानी का मेन मुद्दा है, पूरा विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी चाहिए, तो ध्यान भटकाने के लिए शाम की डिबेट्स के लिए टॉपिक तो देना ही था इनको। मैंने इतने एग्जाम्पल लिए, 2017 में NDTV
सबसे भ्रष्ट था और चाइना से पैसा था और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा था, और उसके बाद वो अडानी ने उसके सारे शेयर खरीद लिए, मालिक बन के बैठ गया इसके इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर। अभी चार पांच एग्जाम्पल सुधांशु भाई ने दिए कि साहब उन्होंने वहां बीबीसी ने माफी मांगी। अरे भाई 50 एग्जाम्पल मेरे पास है कि हिंदुस्तान की मीडिया में गलती हुई है और माफी मांगी गई, कोरिजेंडम छपते हैं अखबारों में, तो क्या उनको हम बैन कर दें, उनको देशद्रोही ठहरा दें? गलती किसी से भी हो सकती है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं बीबीसी का। युद्ध के लिए, युद्ध के लिए किसी ने माफी मांगी है? एक युद्ध हुआ था बीबीसी की रिपोर्टिंग पर। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या रेगुलर कोरिजेंडम और बीबीसी के माफीनामे में कोई फर्क नहीं है? सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा सवाल आपसे दूंगा आपको, मैं केवल ये कह रहा हूँ, अभी कहा गया कि चाइना का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ, अरे सर मोदी साहब तो चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने गए, 60% स्टार्टअप में चाइना का पैसा लगा हुआ, तो क्या सबको बैन कर दें? पेटीएम के लिए तो मोदी जी प्रचार कर रहे थे चाइना की कंपनी का, ये सब तो तर्क नहीं है, कुतर्क। आपने तमाम एग्जाम्पल दिए, दिवाली पर ऐसा हो गया, अरे भाई दिवाली पर तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। मैंने तो उस दिन भी कहा था टीवी चैनल पर कि शुक्र है कांग्रेस की सरकार नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार में सुप्रीम कोर्ट बैन लगा देता तो बात इटली तक पहुंच जाती। खैर वो भी आप लोगों का विशेषाधिकार है। अब हम पूछ रहे हैं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के ऊपर, नहीं नहीं आलोक शर्मा जी, मैं आपको एक मिनट रोकती हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट को दिवाली पर आप इतना मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को 2002 और मोदी जी पर क्यों नहीं मानते? सुधांशु जी, क्या इसमें भी एक अलग सुप्रीम कोर्ट है और अलग एजेंडा है जहां जो सूट नहीं करता विपक्ष को? सुधांशु जी देखिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो आलोक जी ने कहा कि बीबीसी को नोटिस दिया था, प्रतिबंध नहीं लगाया था, आलोक जी आप बहुत हल्का बोल गए। बीबीसी के दफ्तर पे ताला लगवा दिया था इंदिरा गांधी ने 1970 में, और जो उनके ब्रिटिश कर्मचारी थे उनको पकड़कर ब्रिटेन के जहाज में बैठाकर रवाना कर दिया था, जाओ भाई बैक टू इंग्लैंड, छोटा मोटा काम नहीं किया था। और दूसरा बताता हूं, 14 अगस्त 1975 को, पूरी बात सुन लीजिए, 14 अगस्त 1975 को आपने रिटर्न पे बोली है मान्यवर, तो दर्शकों को बेहतर समझ में आता है, 14 अगस्त 1975 को कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि बीबीसी भारत विरोधी प्रचार करता है, इसको बंद कर देना चाहिए, पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं। और इसलिए मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, इतना ही नहीं, अरे साहब आप तो वो पार्टी है नाविका जी, बहुत से लोगों को ध्यान नहीं होगा, भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा एक्ट है जो प्रेसिडेंट ने कभी साइन ही नहीं किया, इसलिए पारित नहीं हो पाया, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति पास हस्ताक्षर करता है, राष्ट्रपति वापस भेज दे तो दोबारा भेजा जाए, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है साइन करना, पर साइन कितने समय में करेगा नहीं हो सकता। वो था ज्ञानी जैल सिंह जी ने राजीव गांधी जी के समय में पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट, उसमें जानते क्या प्रावधान किया था राजीव गांधी सरकार ने, कि किसी की भी चिट्ठी खोलकर पढ़ सकती है सरकार, और अगर चिट्ठी में आपत्तिजनक होगा तो कार्रवाई कर सकती है। जैसे आज कोई कहे कि सबके ईमेल पढ़ सकते हैं, सबके एसएमएस पढ़ सकते हैं, सबके व्हाट्सएप पढ़ सकते हैं, अद्भुत। और आज आके कह रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता पे हमला केवल इसलिए कि जो लगातार नोटिस को जवाब ना दे रहा हो और लाट साहबी दिखा रहा हो, और उसके बाद आप यह करने का प्रयास करें। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इंदिरा जी का हमें बचपन में याद है, उतनी हमारी मेमोरी है, इंदिरा जी कहती थी इसमें विदेशी हाथ है, पर आज हमें हाथ का विदेशी साथ और उस साथ से उठती हुई करामात बहुत साफ दिखाई पड़ रही। नविका जी मैं उत्तर देना चाहूंगा। आलोक जी 45 सेकंड में उत्तर दीजिए, क्योंकि पब्लिक बहुत सवाल पूछ रही है, सवाल लेने का वक्त आ गया है, आप उत्तर दीजिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार बौखलाई हुई है और जिस तरह के कदम उठा रही है, उससे सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। अडानी का नाम भी नहीं लेंगे संसद में, अगर कोई दूसरा लेगा जांच की बात करेगा तो संसद से उन शब्दों को हटा दिया जाएगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इनके साथ खिलाफ सख्त से सख्त टिप्पणी कर रही है, ये कहते हैं साहब सर्वे है, रेड नहीं है, तमाम पुलिस वालों को ले जाके मोबाइल सीज करके और ये सर्वे चल रहा है। एनडीटीवी के बारे में अभी मैंने एग्जांपल दिया, मैंने 10 एग्जांपल दिए नविका जी पहले, उसमें मुझे बताइए ना उनका क्या हुआ? आपसे तो जो सवाल पूछता है वही देशद्रोही हो जाता। देश के किसानों ने अगर धरना दिया तो उनको नोटिस दे दिए इनकम टैक्स के, क्या हुआ उन नोटिसों का? फिर एनडीटीवी के ऊपर कितना टैक्स का गबन था वो भी जरा बता दीजिए। 9 बजे एबीपी न्यूज पर एक शो आता था, वो शो सवाल करता था सरकार से, उसको ब्लैकआउट कर दिया जाता था। प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में 180 में से 150वें स्थान पर पहुंच गए हम।
और ये जो मामला है G24 जिस समय चल रहा है, अभी कुछ ही दिन बचे हैं, आप देखिएगा थोड़े दिन किस तरह से विदेशी मीडिया अटैक करेगा हिंदुस्तान के ऊपर। हम अपने आप को सबसे समृद्ध और सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं और सरकार 56 इंच की सरकार, सबसे बड़ी जनता भारतीय जनता पार्टी और सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, और एक डॉक्यूमेंट्री से डर जाते हैं, हमें बताएगा। विदेशी मीडिया तो आज भी अटैक करता है मोदी जी के विरोध, जो लोग लिख सकते हैं वैसा एडवर्टाइजमेंट आता है न्यूयॉर्क टाइम्स का। सुधांशु जी, ये विदेशी मीडिया का हवाला दे रहे हैं? नहीं, विदेशी मीडिया ने जब जब बीजेपी की बढ़ाई की, जहां तो पर विदेशी मीडिया की बात है, अब मैं एक सिर्फ तथ्य रखना चाहता हूं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, सिर्फ तथ्य, तो वो देशद्रोही है, कोई बात नहीं। अरे वो सर नहीं नहीं वो 8 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो चाहे रफाल का मामला, और उस डॉक्यूमेंट्री में लिखा है कि कोलंबस को लगा मैं चीन में पहुंच गया हूं, और उसको जिंदगी भर लगता रहा वो चाइना में। क्या एब्सर्ड इलॉजिकल बात है, पूरी दुनिया को पता भारत को खोजने गया था, इसीलिए वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा गया, तो शक होता है कि चाइना का गुणगान क्यों हो रहा भाई। ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, वो मैं कह रहा हूँ, कोई मेरी बात तो भरोसा ना करे, चाइना का गुंडा जाए डिस्कवरी प्लस के ऊपर अवेलेबल है, नेट पे जाके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखे। चाइना के खिलाफ कोविड में कुछ ना लिखना, भारत के खिलाफ लिखना, और विश्व इतिहास में भारत के महत्व की इतनी बड़ी बात को लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। किरण येवलेकर का सवाल पुणे से है, आयकर छानबीन पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस इंदिरा गांधी सरकार में बीबीसी को बैन करने पर जवाब क्यों नहीं देती, ये तो पुणे से सवाल है। रेखा अग्रवाल का रायपुर से सवाल है, बीबीसी का भारत विरोध और भारत के प्रति नफरत जग जाहिर है, ऐसे में जांच से पहले बीबीसी को दूध से धुला बताना क्या उचित है। और दीपांकर गौतम का अमरोहा से सवाल है, क्या सरकार का अब एक ही संदेश है, तुम मेरे बारे में बोलोगे तो सीबीआई भेज दूंगा, ईडी भेज दूंगा, क्या यही लोकतंत्र है? तो पहले सवाल का जवाब वारिस पठान आप दे दीजिए, दो सवालों का, और फिर मैं सुधांशु जी से लेती हूं। नहीं, सवाल का जवाब सिंपल है कि अगर सरकार के खिलाफ बोलो तो एंटी नेशनल हो जाते हैं, किसान सरकार के खिलाफ गई तो आतंकवादी बना दिया उनको, अगर हम सच्चाई बयान करें तो साथ चले जाएगा सीबीआई ईडी, तो किस दिशा के अंदर हम देश को लेकर जाने वाले, बात तो ये। और अगर सरकार क्लीन है, सरकार को डर नहीं है, दिखाने तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। और टाइमिंग ये क्यों, ये एक बदले की भावना से जो सरकार चल रही है ना, ये देश के लिए सही नहीं है। बदला नहीं ले सकते आप, चुनाव लड़िए, आप जीतिए अगर आपको वोट देंगे लोग, लेकिन इस तरह से बदला लेके डराना धमकाना कि आप ये करो नहीं तो ये, तो ये तो डेमोक्रेसी में फिर क्या रहेगा, तो डिक्टेटरशिप हो गई ना, फिर सब लोग बोल ही रहे ना, अभी तानाशाह डर गया, तानाशाह घबरा गया। तो हमारा बोलने का मतलब ये है नविका जी, सुधांशु जी ने इतनी सारी बातें कर दी लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बताया कि उन्हें किस कानून के तहत वो मुझे रोक सकते हैं देखने से, उनको कोई कानून नहीं है, क्यों मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जा रहे हैं, बताइए सुधांशु जी, आप संविधान को अगर मानते हो तो क्या मेरा फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है? आपने बताया कि कोविड के काल में उन्होंने इतना कुछ लिख दिया था हिंदुस्तान के बारे में, चीन के बारे में नहीं लिखा, गलत है, उस वक्त उसके ऑफिस पे आपने छापा मारा था क्या? छापे मारे आज से बच्चों को स्कूल में नहीं डालने का, तस्लीमा नसरीन पर वारिस पठान जी आप माफी मांगेंगे, इसीलिए देश आजाद हुआ था, आपका इनकमिंग अब बैन हो गया, इनकमिंग बैन हो गया है। सुधांशु जी क्या सीबीआई और ईडी अब तय करेंगे सारे राजनीतिक बदले? ये सवाल पब्लिक भी बात पूछ रही है, कुछ नहीं होने वाला उस, हम हमारे हक के लिए लड़ते रहेंगे। नविका जी जब आप बोलते हो तो मुझे आवाज नहीं आता है, ये कैमरा खराब है। अच्छा मैं समझ गई थी, क्योंकि मैं तस्लीमा नसरीन से माफी मांगने के लिए कह रही थी तो आपका आपको साउंड आएगा ही नहीं, मेरा वो किया हुआ है ऊपर से इंतजाम ऐसा ही है। नहीं, रियल बात है, मैं क्यों माफी मांगू,
अच्छा आप सुनाई दिया को मारने की बात करते उसके लिए माफी मांगेंगे सुधांशु जी, चलो मांगो माफी सुधांशु त्रिवेदी, चलो माफो मांगो माफी जहाँ बोला गया था धर्म, तो आपने उनका प्रोग्राम क्यों डिस्टर्ब किया था? बोलो गोड से मुर्दाबाद, सबको देखने की इजाजत होनी चाहिए ना, तस्लीमा नसरीन को सुनने की, जो चाहता है वो सुने, जो नहीं चाहता वो जाए। अरे हिंदुस्तानी की बात करो ना, फॉरेनर की बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, चलिए महात्मा गांधी तो हिंदुस्तान आजादी के लिए, सुधांशु जी ने उनका कत्ल कर दिया, सुधांशु जी उसके लिए गुस्से बीबीसी इंडियन है क्या, हिंडनबर्ग इंडियन है क्या, वारिस पठान जी बीबीसी की लड़ाई तो आप बहुत अच्छी लड़ रहे हैं, वो इंडियन है क्या, हिंडनबर्ग इंडियन है क्या? तस्लीमा पर आप नाराज हो जाते हैं? मैं तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लड़ रहा हूँ नाविका जी। ओ, अच्छा, आप अच्छा, भी अच्छा, एक प्रेस से जुड़ी हुई है, आप भी एक जर्नलिस्ट है, आप भी एक पत्रकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो ना हो फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए वारिस पठान को। फिर देखिए मजे की बात यह है कि ये आप बहुत बोल चुके हैं वारिस पठान साहब, आप काफी बोल लिए आप। देखिए मजे की बात ये, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन कहती है कि हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं भाई, अरे वो तो भाई अरे नाम में कुछ नहीं रखा है, इसीलिए तस्लीमा नसरीन पे सवाल इसलिए पूछा गया, आपके विधायक ने किया था, किसी बाहरी संस्था ने नहीं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला, आपके अध्यक्ष ने बोला कि मोदी हिमालय में चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तब तुम्हें बचाने को रहेगा। खैर आज का वो विषय नहीं है, विषय इधर रही है, विषय से बचने की भागने की कोशिश नहीं करिए। हम बीबीसी के क्या किसी संस्था के खिलाफ नहीं, जो आप कह रहे हैं कि चाइना के खिलाफ रिपोर्ट छापी थी तो छापा क्यों नहीं मारा, कोई कुछ भी लिखे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके जलवे के खिलाफ है। जलवा अगर यह होगा कि नोटिस दिया जाएगा और आप उसका जवाब नहीं देंगे तो फिर वह समझ लीजिए, दुख की बात यह है कि कोई ये समझे कि वॉइस रॉय हुआ कार्टूनिस्ट, चार्ली हेब्डो के बारे में लिखा है, अरे तोमो तोमो हो जाएगी, बोलने दिया था बहुत सारी बातें। मैं तो कह रहा हूं 2012 में भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया था वो खबरें जो उन्होंने कहा था एंटी इस्लामिक हैं, तब क्यों नहीं बोले थे स्वतंत्रता की बात? स्वतंत्रता की बात नहीं थी, स्वतंत्रता की बात और डेमोक्रेसी खतरे में आ जाए। सुभ्राष्टा जी दो और सवाल है पब्लिक के, और मैं ये पब्लिक के सवाल जरूर लेना चाहती हूँ। मानमल सोनी का बीकानेर से सवाल है, 2002 के गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को क्लीन चिट दी है, फिर बीबीसी को झूठी डॉक्यूमेंट्री पर सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इसकी टाइमिंग पर कोई चर्चा नहीं होती। और किरीट कुमार पटेल का सुरेंद्र नगर से सवाल है, आप साफ सुथरे हैं भ्रष्टाचारी नहीं है तो फिर ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई से डरते क्यों हैं? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, क्या विपक्ष हर बार ईडी सीबीआई का नाम लेकर जो डर खड़ा करता है ये सही है? नविका जी ये बहुत लॉजिकल सवाल है और ये सवाल देश की जनता का ही सवाल है, और यही अगर हम आर्ग्यूमेंट दे देते हैं तो हम लोगों को किसका किसका एजेंट बता दिया जाता है। तो ये जो दो आपके जो व्यूअर्स हैं उन्होंने सवाल पूछा, अब ये पूछ लीजिए विपक्ष से कि ये किनके एजेंट हैं। सही बात है ना, मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि आपके घर या मेरे घर ईडी का रेड क्यों नहीं पड़ता भाई, ये नेताओं के घर उन्हीं नेताओं के घर क्यों पड़ते हैं जिनके पास डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम होती है। आज अगर बीबीसी पे सवाल उठा है, बीबीसी क्लियर क्यों नहीं कर देते कि वो बतौर एनजीओ भारत में काम कर रही है या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम कर रही है, क्या उसने एफसीआरए का वायलेशन किया है, क्या टैक्स इवेजन किया है? भाई इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है, इतना बड़ा इतनी बड़ी साख है उसकी, इतनी बड़ी मीडिया कॉरपोरेशन है, एक प्रेस रिलीज जारी कर देना कि ये रहा हमारा इनकम टैक्स का स्टेटमेंट, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है। ये करने के बजाय उल्टा हम ही लोगों को सुनाया जा रहा है। और मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी ये होती है नविका जी कि बीबीसी के मामले में हमारा विपक्ष इतना ज्यादा एक्टिव क्यों? बिल्कुल, बीबीसी का एक प्रेस रिलीज आया है आलोक शर्मा जी, सिर्फ एक प्रेस रिलीज जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें लगता है मामला सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन विपक्ष बड़े सदमे में है, ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि ईडी का इतिहास, सीबीआई का इतिहास इस तरह का बना दिया है, 0.5% कन्विक्शन रेट आए ईडी की, 3600 से ज्यादा रेड हो और 99% से ज्यादा रेड, इनकम टैक्स की बात कीजिए ना, आज तो ईडी की रेड नहीं थी, इनकम टैक्स का
इनकम टैक्स का रेट पता है आपको? हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, मैं तो केवल ईडी सीबीआई की बात कर रहा हूँ। आपने डर का सवाल पूछा मेरे से, मैं वही कह रहा हूँ। और दुर्भाग्य ये है कि जो जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, और जो लोग आज फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। 2014 में नोटिस दिया, 2016 में नोटिस दिया, कितने पैसे का इनकम टैक्स नोटिस था भाई, कितने पैसे का गबन हुआ है बीबीसी का, जरा आप बताएंगे इस बात को? और सावरकर की पार्टी के लोग जब अंग्रेजों की बात करें ना, तो उनका जवाब देना भी उचित नहीं होता है। जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करते हुए सेना में अंग्रेजों की भर्ती कराए रहे थे युवाओं के, कि आप सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़िए, उनसे आज हम उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। हम केवल ये बात पूछना चाहते हैं कि अगर इतना पाक साफ अडानी है जिसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग, मीडिया का और पूरी बीजेपी खड़ी हुई है, जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं आप? जेपीसी क्यों नहीं? सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। बस एक लाइन में, जो शुभ्रास्ता ने कहा मैं उस पॉइंट को लेकर आगे बढ़ता हूं। बीबीसी मीडिया संस्थान है ना, प्रेस रिलीज जारी कर दे कि ये नोटिसेस आए थे, मैंने ये नोटिस का जवाब दिया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, या वो कह दे कि कोई नोटिस ही नहीं आया था हमारे पास, इसका तो जवाब नहीं है। अरे भाई, जवाब देने में क्या हर्ज है? इसका मतलब साफ हो गया कि आपके पास उसका जवाब नहीं था। और एक बात कह दूं, सुनिए जनाब, अगर आपने यह बात कही, डिस्टर्ब करने लगते हैं, अपनी बात भी कहेंगे, सुधांशु जी के ऊपर भी बोलेंगे, तो ऐसे ऐसे कैसे डेमोक्रेसी चलेगी? सुधांशु जी, सुधांशु जी को मैंने 30 सेकंड दिए थे, प्लीज बीच में ना बोले। सुधांशु जी, सुधांशु जी, सब हमें, हाँ अब आपको बात बताता हूं, सुनिए। अब मैं, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के साथ वाली बात पे बोलने का हक नहीं, तो अब मैं बोल देना चाहता हूं। एलन ऑक्टोवियम ह्यूम नामक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा स्थापित 1910 में जिस समय सावरकर को जेल हुई दो जन्मों की, उस समय विलियम वेडनबर्न नामक ब्रिटिश अध्यक्ष से शासित, सुनिए, 2 सितंबर 1946 को नेहरू लॉर्ड वेवेल के द्वारा शपथ लेकर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने, 15 अगस्त को माउंट बेटन के द्वारा शपथ लेकर भारत के प्रधानमंत्री बने, और जिसमें ब्रिटिश सरकार का सेनापति भी वही था, जनरल रॉय बूचर था, और आज भी देखिए अंग्रेजों के साथ ही खड़े हैं। 1885 से 2023 तक अंग्रेजों की मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। डिस्टर्ब करने के अलावा कोई चारा नहीं है, बिल्कुल। और इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर अभी बीबीसी ने खुद से कोई आरोप नहीं लगाए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि विपक्ष ने मोदी सरकार पर इस मुद्दे पर सवाल उठाने में शायद थोड़ी जल्दबाजी की है। मैं मानती हूँ कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है, उस पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश का विरोध होना ही चाहिए। लेकिन बीबीसी के मामले में पहले ये बात साबित तो होने दीजिए। अगर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई वाकई राजनीति से प्रेरित है, तो उसके सबूत सामने होने चाहिए। प्रेस फ्रीडम अहम है, तो आयकर के नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी। देश का कानून है, इससे कल खिलवाड़ नहीं हो सकता प्रेस फ्रीडम के नाम पर। तो आज मेरा नजरिया बस इतना ही। ये अभी राजनीतिक युद्ध चलता रहेगा, हम आपके पास लेटेस्ट खबरें लेकर आते रहेंगे। आज लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार।